Okay, gentlemen, Jai Hind. Jai Hind, sir. All fine? Yes, sir. Good. Basically, we are here. One of our student, Doon Defense Academy, which is your ex-student, is just standing right in front of you. You can see him. His name is Ram Nivas Yadav. He was a student of Doon Defense Academy in 2021 and 22. He is from Ghazipur, UP. And he has cleared the SSR Agnivir Indian Navy exam. And he has completed his basic training from INS Chilka and completed his ship training from INS Vikramaditya, Air Park Academy. After the Agnivir basic training, he went on board ship and taken the ship training. I basically got a good experience and he got the branch of Air Electrical Aviation Branch Milaipur. You give it up? Yes, that's the technical branch. And soon after this, on completion of his leave, he will go for the professional training for the Electrical Aviation Branch. Okay? Yes, sir. So first of all, congratulations to him for the bright career in future. Okay? Yes, sir. And now he will share the experience because he was a student of Doon Defense Academy. How the experience in Doon Defense Academy during his academic session and followed by he has done the training, the basic training of Agnivir SSR. Aapko pata hai, there is opportunity, golden opportunity for the students to become Agnivir. So he'll tell each and everything about his journey of life. Okay, gentlemen? Yes, sir. Okay, I'm going to share the experience. Good afternoon to all. My name is Ram Vilas Yadav. I'm UP Ghazipur. I took 2021-22 in DDA में एडमिशन लिया. उसके बाद मैं एनडीए के लिए आया था सर. वन ईयर का कोर्स लिया लेकिन एनडीए में नहीं हुआ. लेकिन उसी बीच नेवी का एग्जाम दिया. उसके बाद फिर उसमें हो गया. उस नेवी में दो एग्जाम होते हैं, एक कंप्यूटर बेस होता है, एक रिटेन वाला जो कराता है. दोनों यहीं पे था. उसके बाद फिर उसका ज्वाइनिंग लेटर आ गया. फिर मैं चिल्का चला गया. चिल्का में बहुत सारे मैंने उसमें टीम वर्क ज़्यादा था. सबको साथ लेकर चल रहा था. जैसे रनिंग होता था, मैराथन होता था, तो उसमें कोई जैसे चोटिल हो जाता था तो उसको भी साथ लेकर चलना पड़ता था. तो वहाँ का भूमिका यही था. उसके बाद ट्रेड वेड, उसके बाद पनिशमेंट भी वहाँ का टफ ही मिलता था. फ्रंट रोल, साइड रोल, उसके बाद हनुमान जंप. मैं तो ये पहले कभी सुना नहीं था लेकिन वहाँ जाने के बाद सीख भी लिया. उसके बाद फिर वहाँ पे भी एग्जाम होते हैं, ब्रांच उसी के हिसाब से मिलते हैं. वहाँ पे टेस्ट भी होता है. तो यहाँ का किल्का का खत्म हो गया था, कारवार में चला गया सिप ट्रेनिंग के लिए. सिप ट्रेनिंग जो सिप थी हमको आईएनएस विक्रमादित्य मिली. वो इस समय भारत की सबसे बड़ी सिप वही है. और सिप पे गया, उस पर ओआरआई चल रहा था, ऑपरेशन रेडीनेस इन्फेक्शन. जैसे कोई भी लड़ाई लग जाती है तो कैसे उसको हैंडल करें, वो टाइम चल रहा था उस टाइम. तो उस पर जैसे मिग 29 के चेतक, उसके बाद ये सब उस पर आए थे. वो मैं बस हवा हवा में ही देखा था. और मिग कितनी रफ्तार होती है तो मैं कब निकल जाए पता ही नहीं चले. लेकिन वहाँ पे सामने देखने पर कुछ अलग ही नजर आए. तो वहाँ पे चेतक भी था. वहाँ का कुछ अलग ही अपने आप को हर चीज वहाँ पे अच्छा जैसा लग रहा था. अब इसमें यही था तो हम लोग सेलर जैसे थे. लेकिन ब्रांच भी अच्छी मिली है उसमें. इसमें से भी ऑफिसर बनने का अपॉर्चुनिटी है. जैसे सीडब्ल्यू स्कीम है सेलर के लिए, भी एसएससी है, उन सब पीयू होता है. लेकिन हम लोग के लिए अफसर बनने का सीडब्ल्यू स्कीम है, उसके लिए भी मेहनत करूँगा. उसके बाद यहाँ का भी एक्सपीरियंस अच्छा रहा. मैंने जितने भी कंटेंट डीडीए का ये है, कंटेंट भी अच्छा है. जितना पढ़ाया जाए अगर उस पर उतना मेहनत करें तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है. उसके बाद टीचर भी थे फ्रेंडली जैसे थे. जैसे हम लोग के मैथ के मिले थे सरवान अली सर. उसके बाद फिजिक्स के मिले थे देवेश कुमार सर. मैथानी सर भी थे. मैंने जब भी क्वेश्चन पूछो, जब भी भेजो व्हाट्सएप पे, मैंने उसका रिप्लाई जरूर देते थे, जरूर बता देते थे. कभी भी पूछो कभी भी. और सर का एक सर भी मौके मौके पर मोटिवेशन देते थे. सर का जैसे एक फेवरेट कविता था, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती.
ये मैंने अपने जब भी मैं डिमोटिवेट होता था जिसमें रेंगे कई काम नहीं करा तो सुन भी लेता था तो हर बार कविता में पढ़ता था कोशिश करने वालों को कभी याद नहीं होती। और आपको आप लोगों के लिए जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो ये याद रखना बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, अंधेरे में भी डूब लेते हैं मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। चलिए मैं अपने ही बार सड़क किनारे बैठा रहा था किसी के इंतजार में, घर से बाहर निकाला जा चुका था आशिक प्यार में। सड़क किनारे बैठा रहा था किसी के इंतजार में, घर से बाहर निकाला जा चुका था आशिक प्यार में। उस रास्ते रोज एक नए फूल खिला करते थे, हुए दोनों आशिक उस आईटी पार्क में जा मिला करते थे। ऐसे ऐसे चलता रहता था रोज एक नया बहाना, अचानक उस कविता में एक नया प्रसंग आ गया, उस लड़की को कोई नया लड़का पसंद आ गया। इतना सब होने पर लड़का अपने दुख आवाज में कहता है उस लड़की से, तुम्हारी याद हमें रुला न पाएगी, तुम्हारी याद हमें रुला न पाएगी, ऐ गुन्ना मासी तू अपने जल में जिसको फंसाएगी। जैसे नेवी में अब इसके तो दो एग्जाम होते हैं, एक कंप्यूटर बेस होता है, उसके बाद एक कंप्यूटर बेस जो क्वालिफाई कर लेता है फिर उसको फिजिकल के लिए और रिटेन के लिए बुलाया जाता है, तो फिर उसको क्लियर करके फिर उसमें ज्वाइन हो जाता है, फिर एक छोटा सा मेडिकल होता है चिंता में। उसके बाद इसमें से भी जो इंडिया वाले हैं अब मान लो फाइल अब इसमें इंडिया में नहीं हुआ तो फिर उसमें कर सकते हैं, उसमें से भी अवसर बनने की अपॉर्चुनिटी रहती है। और साथ में जैसे जो हैं हम लोग तो मिडिल फैमिली के हैं, तो जो भी बच्चे जो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इसको मैंने देकर उसके बाद फिर मैंने अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। और इसमें कॉमनवेल्थ स्कीम उसमें से कॉमन सिर्फ इसकी में कॉमनवेल्थ स्कीम है तो इसमें से अवसर बनने की अपॉर्चुनिटी रहती है। यहाँ वो बताना चाह रहा है कि अग्निवीर एंट्री में भी एक अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन बनेगी बेटा वहाँ जाकर के जो सीडब्ल्यू के थ्रो यहाँ जो एनडीए की पढ़ाई आप कर रहे हैं गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स के लिए भी अपॉर्चुनिटी है अग्निवीर में आजकल, तो आप अपनी पढ़ाई करें तो वो पढ़ाई कहीं ना कहीं अग्निवीर बनने के बाद चाहे एयरफोर्स में है या आर्मी में है नेवी में है वहाँ अवसर बन सकते हैं। ठीक है, जो पढ़ाई आपकी यहाँ पर हो रही है एनडीए की वो कहीं ना कहीं काम है। ओके, ये अपॉर्चुनिटी है यहाँ राम निवास, जैसे कि आप जानते हैं कि जितनी भी इंट्रीज होगी हमारे जितने भी सिलेक्टेड स्टूडेंट्स होते हैं दून डिफेंस एकेडमी की परंपरा है कि उसको 10,000 का कैश अवार्ड मिलता है। ठीक है, आज राम निवास को मिलेगा और मैं रिक्वेस्ट करूंगा संदीप सर से भी इस अवार्ड के लिए देने आएंगे। चलिए, राम निवास ने अपने बारे में कैसे ट्रेनिंग रही, कैसी कोचिंग रही, क्या पर्सनल लाइफ रही और बहुत कुछ इसने आपको बताया। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे फैमिली से, मिडिल क्लास फैमिली, लोअर क्लास फैमिली से जब बच्चे बाहर निकलते हैं अपने कुछ सपने लेके, कुछ उम्मीदें लेके, कुछ आशाएँ लेके और संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी आते हैं तो जब फाइनली जब कोई सिलेक्ट होता है ट्रेनिंग करता है चाहे वो एनडीओ सीडीएससी हो एफ कैट हो ओडी हो अग्निवीर की एंट्री हो मर्चेंट नेवी हो कोई भी एंट्री में फाइनली जब यूनिफॉर्म उसके शरीर में पहुंचती है तो मुझे लगता है हमारी टीम को लगता है एकेडमी को लगता है कि यस हमारी गुरुदक्षिणा हमको मिल गई है। और उसके रिवार्ड के रूप में रिटर्न गिफ्ट के रूप में एक छोटा सा कैश अवार्ड हमने रखा हुआ है, आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट को ये लगातार मिलता चला जा रहा है, रिटर्न क्वालिफाई करने पे भी कुछ अवार्ड है, फाइनल मेरिट लिस्ट में तो है ही। तो मेरी कोशिश ये है हमेशा से कि हिंदुस्तान में
सभी जितने भी हमारे स्टेट हैं, गांव हैं, कस्बे हैं, जिले हैं, शहर हैं, कोई भी ऐसा अछूता ना रहे जहाँ से डीडी डायमंड चमक अपनी ना फैलाए, बाहर निकले और अपने देश का, प्रदेश का, अपनी फैमिली का, अपने एकेडमी का, स्कूल का नाम ऊंचा करें। और अपॉर्चुनिटी जो इंडियन आर्म फोर्सेस देता है वो आई डोंट थिंक सो कई बार मिलती है। अभी जस्ट बिगनिंग, जैसे इसने भी बताया, इसको काफ़ी नॉलेज हो गई है एज ए अंग्रेजी, इसने एंट्री किया है। नाउ ही कैन बिकम ऑफिसर CWACC, देयर विल बी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। वो बस वो है, मेहनत जो जितनी करेगा उतना आगे बढ़ेगा। अभी शुरुआत है, ये एंड नहीं है। आप लोग सब तैयारी कर रहे हैं NDA और जो भी सब कुछ तैयारी कर रहे हैं आप, आपकी आने वाले टाइम पर जो भी एग्जाम आपको मिले, चाहे वो NDA हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो, मर्चेंट, कोई भी एग्जाम आपको सबको लिखना है। आप बाद में ज्वाइन करें ना करें, बट आप अपने अंदर ये ठान लीजिए कि हर एक एग्जाम आपको क्वालिफाई करना है और एक ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होना चाहिए, वो किसी भी फोर्स का हो, कोई भी एंट्री का हो। दैट विल गिव यू अ ट्रेमेंडस कॉन्फिडेंस। आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर है, सपोज एक्टिविट एंट्री का, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, आप ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो अलग बात है, बट आप बोल सकते थे ना, बोल सकते हैं ना, मेरे पास है, मैंने मेहनत की, मैं सफल हुआ। आपका पहला टारगेट NDA, ऑब्वियसली NDA फर्स्ट टारगेट है, उसको पूरा उस पर मेहनत करो, यू कैन ज्वाइन। अदरवाइज ऑप्शन बी भी रखना चाहिए हमेशा, प्लान बी भी आपके हमेशा रेडी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एंड ऑफ द डे फिर ढूंढने लगो मुझे अब क्या करना है, ठंडी हुई तो क्या करना है, फिर घबराना, डिमोटिवेट हो जाओ और घबरा जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हर प्लान आपके इंटैक्ट होने चाहिए, ABC व्हाटएवर, राइट। मेहनत करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। और ये 10,000 का एक छोटा सा जो कैश अवार्ड है, मैं चाहता हूँ कुछ इससे ऐसी चीज लो जो आपको प्रेरणा दे, लगातार उत्साहित करे कि आपको जिंदगी में भी और आगे बढ़ना है, ठीक है। IT पार्क में मत उड़ा देना। ये NDA रिटर्न क्लियर किया हुआ है, कहा मनीष, ये एचबी टेकिंग SSB, ठीक है। आपको पता है जो भी रिटर्न क्लियर करता है उसको 1000 रुपीज का कैश अवार्ड मिलता है, ठीक है। इज गेटिंग चलिए अब दिवाली के प्रोग्राम पे मिलेंगे, 9th को दिवाली प्रोग्राम है, दिवाली हम सेलिब्रेट करेंगे। धून डिफेंस अकेडमी की दिवाली की एक खास बात है कि हम हर साल एटलीस्ट दिवाली के दिन एक दिया जरूर जलाते हैं उन लोगों के लिए, उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिनके घरों में शायद अंधेरा होगा आज, उन स्पेशली उन परिवारों के लिए एक दिया हम उस दिन जरूर जलाते हैं। तो आप सबसे मेरी एडवाइस है कि प्रोग्राम में आइए और एक एक दिया हम जरूर जलाएंगे, राइट। थैंक यू वेरी मच। जाइए, काइंडली सब्सक्राइब DDA YouTube चैनल and don't forget to press bell icon.